हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका यूट्यूबर दोस्त राजेश रोशन आपका इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने मेरी फैमिली को बढ़ाया है, मेरी यूट्यूब फैमिली में आपने सपोर्ट किया है, सब्सक्राइब किया है। आह, क्या मस्त हवा चल रही है, क्या ब्लॉग बनाओ। अच्छा, तो सबसे पहली बात कि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है, थैंक यू, और बहुत सब्सक्राइब किया है। लेकिन अभी कुछ दिनों से चैनल चल नहीं रहा है। अब मैं क्या कहूँ, आप लोगों का प्यार कहूँ कि आप लोगों का प्यार धीरे धीरे हट रहा है। प्लीज़ ऐसा मत करो, अपने साथी को भूलो मत। दिल से बहुत अच्छा हूँ यार आप लोगों के लिए, और आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे स्टोरीज भी सुनाता हूँ, अच्छे अच्छे शॉर्ट्स बता दिखाता हूँ बनाकर। तो प्लीज़ मुझे छोड़ो मत, मुझे भूलो मत। बेशक आप लोगों को मैं साथ दूंगा, आप लोगों को बहुत थैंक यू कहता हूँ कि आप लोग मुझे साथ देते हैं। आप लोग मेरा साथ मत छोड़ो। मेरे चैनल का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है, आप देखो, चैनल को ढूंढो, चैनल को पसंद करो, चैनल को एक बार उसमें वीडियोस जो डाले हैं मैंने, लॉन्ग वीडियोस, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, गानों के वीडियोस हैं, और यहाँ तक कि कॉमेडी की भी वीडियोस, फनी वीडियोस बना देता हूँ तो वो भी डाल देता हूँ। कुछ एक कम करता हूँ लेकिन कर देता हूँ। और लॉन्ग वीडियोस का मैं क्या ही कहूँ कि लॉन्ग वीडियोस तो मैं थोड़े कम बनाता हूँ, बट जब मौका मिलता है तो उस पर भी हाथ डाल देता हूँ। तो इस तरह की कहानियाँ हैं और इस तरह के मेरे जीवन का है। ये मेरा घर का बैकयार्ड है, और इस बैकयार्ड में देखिए ये आम का पेड़ है। हाँ, आपको बैकग्राउंड में आम का पेड़ देखिए, आम के पत्ते दिख रहे होंगे ऊपर में, और इधर में लीची लगा दिया है मैंने। तो वो लीची एक साल दो साल तो हुआ था, लेकिन लीची हर साल होता नहीं, क्योंकि वो यहाँ का क्लाइमेट नहीं है। बिहार में तो जैसे झारखंड में रांची वगैरह में लीची होता है, और मैं तो जमशेदपुर का हूँ, तो यहाँ लीची का उतना कुछ है नहीं, लगा देते हैं पेड़ लोग। वैसे मैं बिहार में जाओ तो लीची जो है आपका मुजफ्फरपुर साइड में जो है ना, उधर का लीची, शाही लीची जो होता है, एक्सपोर्टेड लीची है उसमें, तो उधर बहुत होता है। बाय द वे बिहारी ही हूँ, ऐसा नहीं है कि शहर में आ गया हूँ तो चोला बदल लिया और मैंने और मैं कुछ और हो गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जन्म स्थान जो है, मतलब मेरा जो पैतृक गांव है, वो गया ज़िला है। आप लोगों ने नाम सुना होगा। पूरे विश्व में कोई भी हिंदू अगर मरता है, मतलब किसी के पूर्वज या, तो पिंडदान देने के लिए उनको गया ही आना पड़ता है। और गया में विष्णुपत मंदिर है, और कभी जाऊँगा तो वहाँ का ब्लॉग बनाऊँगा मैं। मैं एक बार गया था, उस समय ब्लॉग नहीं बनाता था, तो उस समय मैं घूमा था। अब तो यादें रह गई हैं, अब वीडियो भी नहीं हमारे पास है। खैर, तो आप लोगों का आशा करता हूँ आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे यहीं मिलता रहेगा। छोटे हों बड़े हों, मैं सबको फॉलो करता हूँ, और मैं जहाँ तक संभव हो कोशिश करता हूँ कि सबको कमेंट करूँ, सबके वीडियोज़ को लाइक करूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है ये सब करना। ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं किसी के वीडियोस को लाइक नहीं करता या किसी को कमेंट नहीं करता, ये गलत बात है, मैं सबको करता हूँ। हाँ, कुछ लोग वीडियो बनाने के चक्कर में, कुछ लोग वीडियो बनाने के, वो समझ रहे होंगे, वीडियो बनाने के चक्कर में भूल जाते हैं दूसरों को। हैं कुछ लोग जो भूल जाते हैं दूसरों को, नए नए फ्रेंड बने और कुछ दिन वीडियो को लाइक किया, फिर चैनल छोड़कर चले गए, फिर कभी पलट के भी नहीं देख रहे हैं। तो भाई, अब आप लोगों की इच्छा है, आप लोग मत देखो। हो सकता है मैं आप लोगों के उतने काबिल नहीं हूँ, आप लोगों के पर्सपेक्टिव पर उतना खरा नहीं उतर पाता हूँ, जैसे आप मेरी वीडियोस को नहीं देखते हो, सिंपल। तो आप लोग मत देखो, लेकिन मैं तो आप लोगों के वीडियो, सबके वीडियोज़ देखता हूँ, और क्या ही कहूँ। चलिए आज एक कहानी बताते हैं। ये कहानी है यूनान प्रांत की। आपको बता दूं कि यूनान प्रांत एक समय में वही प्रांत था जो आज के समय में ग्रीस कहलाता है, ठीक है। यूनान का मतलब होता, यूनान मतलब कि ग्रीस,
ग्रीस राज्य आज जहाँ है वही यूनान हुआ करता था। तो वहाँ एक बहुत महान शासक हुए, टाइबेरियस के भतीजे। टाइबेरियस एक राजा थे, बहुत प्रतापी थे उस समय और बहुत समझदार थे। उनका भतीजा अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिनको हमने सिकंदर के नाम से भी जाना। तो सिकंदर तो और अलेक्जेंडर एक ही हुए। तो सिकंदर बहुत महान थे, प्रतापी थे, वो भी काफ़ी आगे चलकर। तो एक बार उनके शासनकाल में, मतलब उन्हीं के समकक्ष, एक उसी शहर में, यूनान शहर में, एक सन्यासी या संत कह लीजिए रहते थे। उनका नाम था डायोजनीज। मैं लिख दूंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, डायोजनीज। एक बार सिकंदर घूमते घूमते शहर में अपने घोड़े पर जा रहे थे, तो डायोजनीज को देखे और बोले कि यार तुमको देख के बड़ा रस्क होता है। तो डायोजनीज बोले, क्यों रस्क होता है भाई, मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे पास है क्या। सिकंदर बोले कि इतना कोई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं, आप मस्त रहते हैं। और हमेशा डायोजनीज जो थे वो थोड़े पाशल लग्न ही रहते थे, इतने मस्त रहते हो आप, तुमको तो कोई मतलब ही नहीं है। तो डायोजनीज बोला कि महाराज ऐसा क्यों सोचते हैं, सबकी अपनी अपनी लाइफस्टाइल है, सबका अपना अपना जीवन है, आप राजा हैं, आप राजा का जीवन जी रहे हैं, मैं सन्यासी हूँ, मैं सन्यासी का जीवन जी रहा हूँ। बोला, पहले मैं सन्यासी नहीं था, सिकंदर को बोल रहे हैं कि पहले मैं सन्यासी नहीं था, पहले मेरे पास भी कुछ कुछ सामान थे, लेकिन मुझे वो बोझ लगने लगे। हुआ यूँ कि डायोजनीज बोल रहे हैं कि हुआ यूँ कि मैं गया एक नदी में अपने पात्र को लेकर पानी पीने के लिए, प्यास लगी थी। तो पात्र को जब तक वो साफ कर रहे थे, तब तक उनके बगल में एक कुत्ता आया, ठीक है, उनके बगल में कुत्ता आया, उसने मुंह लगाया पानी में, पानी पिया और चलता बना। डायोजनीज को देख के बड़ा हैरानी हुआ कि मैं यहाँ पात्र ही घिस रहा हूँ नदी के सामने, और यह कुत्ता मेरे से भी ज़्यादा मस्त निकला, मतलब इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आया पानी पिया चल दिया। उस दिन से मैंने ये पात्र भी छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया कि इस पात्र को लेकर मैं कहाँ ढोऊँ, पानी पीना है तो पानी पीना है तो ऐसे ही पानी पी लूँगा जैसे कुत्ते ने पी लिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि वो पात्र बोले कि पात्र जो है वो छोड़ देंगे, क्योंकि पात्र को अब हम कहीं सोएंगे, मेरा घर ठिकाना तो है नहीं, तो कहीं सोएंगे तो वो पात्र के चोरी हो जाने का डर। तो एक तरह से आप किसी संपत्ति को रखे हैं और वो चोरी हो जाए, तो ये तो एक प्रकार का डर है, तो इस डर से हमको मुक्ति पाना है, इसलिए मैं अकेला रहता हूँ। तो ये सुनकर सिकंदर बोला कि आप तो बड़े महान आदमी हैं, तो आप हमारे महल में क्यों नहीं चलते हैं। सन्यासी बोले कि महल में कहाँ रहूँगा, तो आपके साथ महल में रहना और फिर आप किसी दिन मेरे मुझसे गुस्सा हो जाइएगा, आपको मेरी कुछ बात पसंद नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी, तो आप मुझे फांसी पे लटका दोगे, मैं स्वतंत्र ही ठीक हूँ। फिर डायोजनीज बोले कि सिकंदर अभी तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो। तो सिकंदर बोले कि मैं तो विश्व विजेता हूँ और मैं विश्व विजय के लिए निकल रहा हूँ, तो बस उसी काम से जा रहा हूँ, रास्ते में तुमसे भेंट हो गई। तो डायोजनीज खिलखिलाकर हंसने लगा, कहा कि तो फिर इतनी यात्रा की क्या ज़रूरत है, अगर विश्व विजेता बनना है और बाद में शांति के तलाश में रहना है तो इतना बड़ा इतना लाभ लश्कर लेकर जाने की क्या ज़रूरत है ना। ये तो नदी का किनारा भी काफ़ी बड़ा है, आराम से यहाँ शांति से रहो। देखो, इस कहानी से एक्चुअली यही शिक्षा मिलती है, कुछ कहानी कुछ खास नहीं है, बस कुछ उसमें कही गई बातें हैं कि जो हो सकता है अभी हो सकता है, कल पर छोड़ा तो समझो छूटा, न करना हो तो मत करो, कोई काम को अगर नहीं करना है तो मत करो, क्योंकि काम को करने की व्यवस्था अगर बनाते हो, टालते हो, तो वो काम आपसे कभी ना हो पाएगा, संभव है कि वो काम आपसे छूट जाएगा। इसलिए जीवन में जो करना है आज करना है। लोग कहते हैं ना, कल किसने देखा है, कल सही बात है, किसी ने नहीं देखा है। एक एक क्षण आपका इतिहास है, एक एक क्षण
अब पूरा वैश्विक समुदाय इतिहास में जा रहा है, आपका हर एक क्षण इतिहास हो रहा है। आप जो है अभी जियो, बाद में मैं ये कर लूँगा, बाद में मैं वो कर दूँगा, ना पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए थैंक यू आपके ब्लॉग के लिए।